शिकायत होगी कि अगर साहब आप उस इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि अब आप और इंतजार नहीं कर सकते। अपनी आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, इससे अच्छा साधन किया जाए वहाँ पर एक स्पेशल कंप्लेंट बनाते हैं। अधिपत्य प्रदान तब किया जाएगा जब इंचाई से पूरी 2 लाख रुपए की इंचाई की राशि वसूल की जाएगी। नया निर्माण कुछ बोलेगा, नए निर्माण को कुछ बनेगा तो बनेगा तो बने निर्माण को बोलने से पहले व्यवस्था बनाने का तो काम करे। भारती सिंह ठाकुर के अध्यक्षीय कार्यकाल का दूसरा बजट आज नगरपालिका परिषद बालाघाट में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 1,56,00,00,000 से अधिक की राशि का यह बजट बालाघाट के लिए कितना मायने रखता है, सीधा अध्यक्ष जी से समझते हैं। जी बताएंगे। आज हमारी जो बजट को लेकर परिषद की बैठक आयोजित की गई, इसमें हमारे 29 प्रस्ताव जो पारित हुए और उसके अलावा जो बजट पर चर्चा की गई उसमें लगभग 1.5 अरब का हमारा बजट हमने पेश किया, जिसमें कुछ अंकों में गड़बड़ी होने के कारण हम अभी इसे 2 दिन में और संशोधित करेंगे, इसके बाद पुनः कॉपियां प्रदान की जाएंगी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि नगर विकास को लेकर, नगर के सुधार को लेकर, नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर, उन सारी बातों पर फोकस किया गया है जो हमारे जनसाधारण के लिए अति आवश्यक हैं। इसमें अलग अलग विभागों से हमने विषय मांगे और उन विषयों को लेकर उन सभी बातों की पूर्ति के लिए संभावित बजट पेश किया गया है। जैसे विद्युत विभाग से संबंधित विषय हैं, जल विभाग से संबंधित विषय हैं, स्वास्थ्य विभाग जो स्वच्छता से संबंधित विषय हैं, उसके अलावा निर्माण कार्यों से संबंधित राशि, और ये सारी राशि हमारी अनुमानित होती हैं क्योंकि एक परफेक्ट राशि तो हम भी नहीं बता सकते, और राजस्व से संबंधित है, इसके अलावा योजनाओं से संबंधित और भी जो अलग अलग हमारे विभाग हैं उनसे संबंधित जो भी हमारी बातें आई, प्रस्ताव आए, उसके लिए हमने अनुमानित बजट पेश किया है। आपके चुनावी वादों में पर्यावरण का जिक्र था, क्लीन सिटी का जिक्र था, बजट में आपने क्या इन चीज़ों पर फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, या इस बजट में ऐसी प्रमुख बातें कौन कौन सी रही जो आगे चलकर शहर विकास में कुछ आयामों को जोड़ सकता है? पर्यावरण को सुंदर बनाने के हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं तो इसमें उद्यान से संबंधित हमारे कुछ प्रस्ताव हैं जिनमें बहुत जल्द ही लोगों को दिखाई देगा कि नवीन उद्यानों का निर्माण और जो हमारे उद्यान है उनका सौंदर्यीकरण, उसके अलावा शहर को हरा भरा बनाने, सुंदर बनाने के लिए भी अलग अलग बातों पर फोकस किया गया है और इसके लिए एक अनुमानित राशि रखी गई है। और इसके अलावा हमारे AHP साइड में जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ अनुमानित राशि मांगी गई है, और शहर के अन्य स्थानों पर भी जो हमारे शहर को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं उसके लिए भी हमने अनुमानित राशि मांगी है। परिषदीय चर्चा में ये देखने को मिला कि कुछ कर्मचारी नाखुश दिखे, नगर पालिका के द्वारा संसाधन नहीं जुटाए जा रहे हैं, आपके कार्यकाल में ऐसी बातें सामने आई है, इसको आप कितना गंभीरता से लेंगे आगे? देखिए, गंभीरता से लेते हैं, ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है। एक समय वो हुआ करता था जब सारे काम मैन्युअली किए जाते थे, ये संसाधन तो ये तो आधुनिक समय में संसाधनों पे हम डिपेंड हो गए हैं, और एक समय वो हुआ करता था जब बहुत कम उपयंत्री के साथ नगरपालिका चलती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, उनकी जो परेशानियाँ हैं उन पर हम गंभीरता से ध्यान देंगे, और आज चूँकि अब समय इतना बदल चुका है, सब कुछ कंप्यूटर पर हम डिपेंड अगर हो चुके हैं और सारे काम कंप्यूटर के द्वारा किए जा रहे हैं, तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उन पे ध्यान देकर गंभीरता से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। जल निकासी एक बड़ी समस्या है जिसे लेकर हमेशा से नगर पालिका पर सवाल उठते रहे हैं, इसे लेकर कुछ कोई प्रावधान आपके बजट में? और दूसरा, बालाघाट में शहर में रेलवे स्टेशन मार्ग को लेकर आपने कुछ काफ़ी सख्त हिदायत भी दी है, क्या ये प्रमुख बातें थी जिसे लेकर आपको ये हिदायत देनी पड़ी? देखिए, जल निकासी पर मैं पहले तो आपको ये बोलना चाहूँगी कि हमारी परिषद जो पिछले वर्ष से बैठी है, तो आप पिछली बारिश को अगर देखेंगे तो हर वर्ष की तुलना में हमारे जो आउटर वार्ड हैं जहाँ जल भराव की समस्या ज़्यादा होती थी, जैसे कि 5, 3, 10, 29 और 31 हमारे जो आउटर वार्ड हैं, लेकिन आप देखें और 2 इनमें हर वर्षों की तुलना में इस वर्ष बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या कम हुई, क्योंकि और हनुमान चौक की भी मैं अगर बात करूं तो हमेशा जो जल भराव की स्थिति होती थी वो इस बार हर बार की तुलना में कम हुई, क्योंकि आउटर के नाले पूरे पैक हुआ करते थे। हमने पिछले वर्ष भी पोकलैंड के द्वारा उन नालों की सफाई करवाई, और इस वर्ष भी हम अभी बारिश को चूँकि समय है तो हम अप्रैल माह से ही उन नालों की सफाई का काम प्रारंभ कर रहे हैं पोकलैंड के द्वारा, और उसका भी एक प्रस्ताव इसमें पास हुआ है, क्योंकि इस विषय को हम गंभीर
गंभीरता से लेते हैं जल भराव की समस्या का। दूसरी बात स्टेशन रोड की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो स्टेशन रोड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि चूंकि वहाँ काम प्रारंभ कर दिया गया है और ठेकेदार से भी मेरी बात हुई है, उसने भी यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही 15 दिन के अंदर वो रोड का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने संबंधित विभाग के उपयंत्री को हिदायत स्वरूप ये बात बोली है कि कोशिश करें 30 मार्च तक हमें वो रोड कंप्लीट करके दें, नहीं तो ठेकेदार के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी ब्लैक लिस्टेड करने की, क्योंकि नगर पालिका से भी उन्हें नोटिस दिया गया है और दूसरे तरफ की जो रोड जो उन्होंने बना दी है और जो गुणवत्ताहीन है उसको सुधारा जाएगा और सुधार के फिर उसमें आवागमन चालू किया जाएगा। तो ये थे अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर। बजट एक प्रकार से आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा प्रस्तुत करने का माध्यम होता है, जिसके तहत नगर विकास का एक प्रावधान भी रहता है, कई एजेंडे रहते हैं और इसी को तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पर्यावरण को लेकर इसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही है। लेकिन देखना यह होगा कि नगरपालिका परिषद के इस बजट पर विपक्ष के पार्षदों का क्या कुछ कहना है और नेता प्रतिपक्ष खासकर इसमें क्या कुछ कहते हैं। इसमें कुछ नहीं था जो होना चाहिए, और बजट के अनुसार तो नगरपालिका काम भी नहीं करती है। बजट में जिस चीज़ का प्रावधान किया गया था, 20 लाख रुपए का सीमेंट रोड के लिए प्रावधान किया गया था, 20 लाख रुपए में एक वार्ड की एक गली नहीं बनती। तो ये बजट पूरा त्रुटिपूर्ण बजट था। इस बजट पे बहुत लंबी चर्चा हुई है, पूरी गलतियों को, खामियों को सामने लाया गया है और चूँकि महाराज आचार संहिता लगने वाली है इसलिए बजट को संशोधन के साथ पारित कर दिया गया है। बजट को एक प्रकार से उम्मीदों के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आप पूरी तरह से इसे फेल बता रहे हैं, यानी कि निराशाजनक बता रहे हैं। क्या कुछ ऐसी खामियां रही या फिर शहर को लेकर इसमें ऐसी कौन सी बातें रही जो लोगों के लिए खास करके आने वाले समय में महत्वपूर्ण नहीं आपको नज़र आ रही है? मेरे हिसाब से शहर की जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं था। शहर की जनता को इस बजट से निराशा ही हाथ लगेगी। शहर के लोगों के लिए क्या किए, बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम शहर की जनता को ये सुविधा मुहैया कराएंगे या इस सुविधा से जनता को इसका लाभ मिलेगा। इस बजट में कुल मिला के जो बजट ही त्रुटिपूर्ण हो, उस बजट से क्या उम्मीद जनता करेगी और हम लोग करेंगे। कुल मिला के मैंने तो वहाँ बोल दिया कि काल्पनिक और फेल बजट था और इसमें संशोधन किया जा रहा है और हमारे सुझाव को माना गया है। हमारे माननीय विधायक प्रतिनिधि जिन्हें बहुत अपने अनुभव का फायदा लेते हुए बजट की पूरी त्रुटि को सामने ला करके उसमें संशोधन कराया गया है। यदि आज हमारे विधायक प्रतिनिधि सबकत खान जी नहीं होते तो ये त्रुटिपूर्ण बजट पास ही नहीं होता। जो दावे और वादे इनके द्वारा चुनाव से पहले किए गए थे, बजट में उन दावों और वादों की कितनी हकीकत आपको नजर आई? विधायक प्रतिनिधि के तौर पर आप पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किए थे। वर्तमान का जो बजट है और पूर्व का जो बजट सम्मानी रमेश रंगलानी जी के कार्यकाल का है, उस कार्यकाल में जो व्यवस्थाएं बजट में दी गई थी शहर विकास के लिए, वो चीज़ आज तक 10 सालों से चली आ रही है। सारे बजटों में उसका उल्लेख होता है मगर उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती। आज का जो बजट प्रस्तुत किया गया, देख चुनावी माहौल को देखते हुए प्रस्तुत किया गया और जो प्रस्तुत बजट में विषय सूची लाई गई थी, उस विषय सूची में शहर विकास के लिए जितने लाख के प्रस्ताव उन्होंने विषय सूची में रखे थे उसी का बजट में उल्लेख नहीं था। तो बजट वो होता है जिसमें सारी चीज़ें का समावेश होता है, जिसमें शहर का विकास समाहित होता है, जिसमें नगरपालिका की आय समाहित होती है, जिसमें नगरपालिका क्षेत्र में रहने वालों को हम क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो उसमें समावेश होता है। तो इसकी कमी देखी गई है और ये कमियों की त्रुटियों की सुधार करने को कहा गया है और ये सुधार हो के इस पर अग्रिम कार्रवाई हो रही है। ये जो आय व्यय और बचत का अनुमानित लेखा जोखा खासकर बजट की प्रस्ताव बजट कापी में दिखाया गया है, इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये त्रुटिपूर्ण है? देखिए, बजट का जो अभी 1,56,00,000,000 का आपने बजट कहा, जो बजट दिया गया तत्काल उसमें संशोधन करके उसको 1,50,00,000 कर दिया गया और अभी जो और संशोधन होगा तो ये और नीचे जाएगा। अभी 1,550,00,000,000 का अभी जो बचत 17,00,000,000 की नगरपालिका की आ रही थी उसमें 1,550,00,000,000 की कमी कर दी गई। कमी सिर्फ मुख्य रूप से मुख्य पेज पे की गई है, अंदर तो वैसे ही था
उसको संशोधित किया गया, अंदर जो कामों के लिए राशि दी गई है उसको संशोधित किया गया, जो काम हमारे क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है, उदाहरण के स्वरूप सरेखा का जो बाज़ार है वो फॉरेस्ट का है और नगर पालिका सरेखा के बाज़ार से हमको आय प्रदर्शित कर रही है, तो ये सारी इस टाइप की चीज़ों को सुधार किया गया। विपक्ष में होने के नाते ये जो बातें आप बता रहे हैं जनता तक कैसे पहुँचाएंगे? आज आप मीडिया वहाँ मौजूद था, मीडिया के रहते हुए कवरेज हुआ है, मीडिया ने उसको देखा है, जो संशोधन हो रहे हैं, तो ये आप लोगों के माध्यम से अपने आप जनता तक पहुंच जाएगा। नगरपालिका परिषद बालाघाट में पारित लगभग 1.5 अरब के बजट को अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने शहर विकास की कड़ी में महत्वपूर्ण बताया है, लेकिन विपक्ष के पार्षदों ने और विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने इस बजट को त्रुटिपूर्ण और निराशाजनक बताया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष के दावों और विपक्ष के आरोपों को जनता किस तरह से देखती है।